आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ मनदीप। रुक करेंगे खबरों की ओर। जबलपुर में दो और लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दोनों नए मरीज पहले से संक्रमित सराफा व्यापारी के यहाँ काम करते हैं। अब जबलपुर में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। सराफा व्यापारी के पॉजिटिव पाए जाने के बाद 23 मार्च को दोनों को आइसोलेशन में सुखसागर मेडिकल कॉलेज में रखा गया था। गुरुवार को दोनों का सैंपल लिया गया था। प्रदेश में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 29 हो गई है। इसमें दो की मौत हो चुकी है। अब तक इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर और शिवपुरी में कोरोना से संक्रमित मामले सामने आए हैं। इंदौर में दो की मौत हो चुकी है और इसमें एक 65 वर्षीय बुजुर्ग इंदौर से और इतने ही साल की बुजुर्ग महिला उज्जैन की रहने वाली थी। तो दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी है। लगातार जो पीड़ितों की संख्या है उसमें इजाफा देखा जा रहा है, जिसके लिए शासन और प्रशासन की तरफ से भी तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। और आज शाम एक बार फिर से सीएम शिवराज सिंह चौहान मीटिंग करने वाले हैं और लोगों से सावधानी बरतने की भी अपील की जा रही है। बावजूद इसके लगातार आंकड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है। भोपाल में तीसरा कोरोना पॉजिटिव मरीज भी मिला है। ये सेमरा इलाके का रहने वाला है जो रेलवे में गार्ड है। गुरुवार को सर्दी जुकाम की शिकायत पर गार्ड ने रेलवे हॉस्पिटल में जांच कराई थी। वहां से डॉक्टरों ने उसे एम्स रेफर कर दिया था। एम्स जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसे एम्स के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया। कोरोना पॉजिटिव तीसरा केस मिलने के बाद संक्रमित लोगों के घर के आसपास का एरिया कैंटोनमेंट एरिया घोषित कर दिया गया है और पहले दो केस प्रोफेसर कॉलोनी से सामने आए थे। ये मामला सेमरा चांदबड़ इलाके का है। दोनों इलाके के 1 किलोमीटर का एरिया कंटेनमेंट और 2 किलोमीटर का एरिया को बफर जोन घोषित किया गया है। पॉजिटिव पाया गया व्यक्ति ने फांसी भूसावल के बीच ड्यूटी की थी। जिन दो इलाकों को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है वहां के सभी लोगों को होम क्वारंटाइन रहने को भी कहा गया है। क्षेत्र को पैरीमीटर कंट्रोल भी किया गया है और इसका मामला क्षेत्र के लोगों को आवश्यक सुविधाओं के अतिरिक्त किसी भी प्रकार से लोगों का बाहर जाना प्रतिबंधित किया गया है। तो जबलपुर में दो और पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। आपको बता दें कि जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना पीड़ितों की संख्या अब 33 हो गई है। और अब हमारे साथ में रायपुर से सत्या राजपूत, भोपाल से दुर्गेश गुप्ता और ग्वालियर से विनोद शर्मा, ये तीनों हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले सत्या आपके पास आऊंगी, कैसा माहौल देखा जा रहा है राजधानी रायपुर में? जी बिल्कुल, लॉकडाउन की स्थिति की बात करें तो यहाँ जनता का भरपूर सपोर्ट मिल रहा है। लोग सिर्फ इमरजेंसी कार्यों को लेकर बाहर निकल रहे हैं। इस वक्त हम राजधानी रायपुर के पौस इलाका भगत सिंह चौक पे मौजूद है और ये राजधानी रायपुर का मुख्य मार्ग है। आप यहाँ पे, मैं कैमरामैन से कहूंगा यहाँ सीधी तस्वीर दिखाएं। यहाँ पे हर चौक चौराहे पे जो पुलिस है लगातार निगरानी में है और पुलिस जो सड़क पे उतर आई है और लगातार लोगों से पूछताछ कर रही है कि वो किस काम से बाहर जा रहे हैं और उनके बाहर निकलने के कारण क्या है। तो इस तरह लगातार इनका पूछताछ जारी है। और वहीं राजधानी रायपुर में 144 धारा लागू है और साथ ही लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए यहाँ जन समस्या को देखते हुए कि लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो, लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि वो बाहर ना निकले, सावधानी बरतें, क्योंकि संक्रमण एक ऐसा है, यहाँ का संक्रमण रोकने के लिए सिर्फ एक मात्र यही उपाय है कि हम अपने घर में रहें, सावधानी से रहें। जी विनोद, आपके आसपास कैसी तस्वीरें दिखाएंगे, कैसा माहौल बना हुआ है वहां पर? Thank you.
मीडिया वाला आपको ग्वालियर में जो लॉकडाउन है उसका अब लोग पालन करना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ दिनों में शुरुआती तौर पर भले ही लोगों में अफरा तफरी का माहौल था, लेकिन अब लोग समझने लगे हैं कि ये उनके बचाव के लिए लॉकडाउन किया गया है। और जो मार्केटों में ज्यादा भीड़ दिखाई दे रही थी वो नहीं दिखाई दे रही है, केवल जरूरतमंद जो लोग हैं जिनको बहुत जरूरी सामान लेना हो आ रहे हैं। यहाँ पर ग्वालियर में दूध की दुकानें सुबह से 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक खुली रही, इसके अलावा सब्जी की दुकानें, राशन की दुकानें ये खुली रही। अभी सबसे राहत भरी बात यह है कि ग्वालियर में जो एक कोरोना पॉजिटिव बॉर्डर पॉजिटिव आया था, वो बॉर्डर लाइन जो पॉजिटिव अभिषेक मिश्रा आया था, उसके बाद कोई दूसरा यहाँ पर अभी मरीज निकल के नहीं आया है। कल 10 मरीजों की जांच रिपोर्ट जो भेजी गई थी अभी तक, उसमें 3 लोगों की कल जांच रिपोर्ट आई है, जिसमें तीनों ही निगेटिव पाए गए हैं, जिसमें एक अभिषेक मिश्रा के घर के लोग भी शामिल थे। तो ये अपने आप में एक अच्छी राहत भरी खबर है कि अभिषेक मिश्रा से किसी दूसरे व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव नहीं हुआ है या उससे संक्रमित नहीं हुआ है। साथ ही पुलिस भी पूरी एहतियाती तौर पर शहर में तैनात है, जो लॉकडाउन है उसको पूरी तरीके से पालन कराने के लिए 12 बजे से वो धीरे धीरे शुरुआत हो जाती है और 1 बजे तक पूरी सड़कों पर सन्नाटा हो जाता है। केवल जो जिनको जरूरी सामान चाहिए, जैसे मेडिकल की दुकानों पर जाना हो या फिर कोई मेडिकल के साथ साथ डॉक्टरों को दिखाने जाना हो या फिर बहुत जरूरी कोई किसी काम से जाना हो, तो वही सड़कों पे निकल सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं निकल सकते। और पुलिस गली मोहल्लों में ग्वालियर से पहले तस्वीरें लगातार विनोद, पहले ग्वालियर से कई सारी तस्वीरें आई थी जिसपे लोग जो कानून के नियम है उनका पालन करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, अब जिसके बाद पुलिस से सख्ती बढ़ती थी, अब कैसा वहाँ का माहौल है, क्या पुलिस प्रशासन के जो नियम है उसका लोग पालन कर रहे हैं? देखिए, सुबह जब लॉकडाउन में राहत दी जाती है जब 12 बजे तक की, तो उस बीच बहुत सारे ऐसे हमें दिखाई देते हैं दृश्य जिसको देखने नहीं चाहिए और जो सुरक्षा के लिहाज से काफी खतरनाक है। लोग जब बाहर आकर सामान खरीदने के लिए एकत्रित हो जाते हैं, तो कई लोग तो ऐसे हैं जो उसमें एहतियाती तौर पर ना मास्क लगाते हैं ना ही दूरी बनाकर रखते हैं, उनको आदत में नहीं आ पा रहा है। लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में ऐसा देखने को नहीं मिला, ये कुछ इलाके हैं जिनमें देखने को मिलता है जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ एकत्रित हो जाती है। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, अवेयरनेस जिनके अंदर है, वो जरूर डिस्टेंस बना के रख रहे हैं और बाहर दुकानों पर खड़े हो जाते हैं, वहां डिस्टेंस रहती है। दुकानदार भी अब ये समझ गए हैं कि उन लोगों को सामान नहीं देंगे जो डिस्टेंस नहीं बनाएंगे, मास्क नहीं पहनेंगे, सुरक्षा उपकरण नहीं लगाएंगे, उनको वो सामान नहीं देंगे, तो ये भी देखने मिला है। वहीं एक चैंबर ऑफ कॉमर्स ने कल एक आह्वान किया था कि वो लोगों को वाजिब दामों में चैंबर ऑफ कॉमर्स से आटा और चावल मुहैया कराएंगे, जिसके चलते बड़ी संख्या में आज लोग सुबह चैंबर ऑफ कॉमर्स पहुंच गए। प्रशासन से किसी तरह की कोई इजाजत नहीं ली गई थी, बाद में जैसे ही पुलिस को पता चला उसको बंद करा दिया गया। तो जो इस तरह से जो हालात नजर आ रहे हैं वो कह सकते हैं कि लोग तो पालन कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में कहीं लॉकडाउन का पालन नहीं करते, तो उससे एक परेशानी खड़ी हो सकती है। इसके अलावा ग्वालियर में समाजसेवी संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं निकल कर बाहर आ गए हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, उनके पास जा जाकर उनको भोजन की उपलब्धता करा रहे हैं, या कोई व्यक्ति भूखा ना सोए इसके लिए लोग बाहर निकल रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता निकल रहे हैं, एनएसयूआई के कार्यकर्ता निकल रहे हैं, विभिन्न राजनीतिक संगठनों के कार्यकर्ता निकल रहे हैं, समाजसेवी निकल रहे हैं। तो ये भी हमें मानवता की एक दृश्य भी दिख रहा है कि इस महामारी के बीच में लोग एक दूसरे के प्रति मानवता पूरी तरह से दिखाना चाह रहे हैं, और कहीं ना कहीं लोग ये चाह रहे हैं कि लोग दूर रहे लेकिन भूखे ना रहे, वो घरों में रहे लेकिन प्यासे ना रहे, उनके पास सारे संसाधन और सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। अगर किसी को दवा या मेडिकल की जरूरत है तो उनको कमांड सेंटर बनाया गया है जो कि स्मार्ट सिटी का है, वहाँ सारी व्यवस्था है। किसी को कोई सिम्टम्स होते हैं तो डायरेक्ट वहाँ पर सीएमएचओ से बात की जा सकती है, तमाम उनके लिए संसाधन मुहैया कराए जाएंगे। इसके अलावा अगर किसी को अन्य चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, कोई सीनियर सिटीजन है, तो कलेक्टर ने साफ तौर पर कहा है उनके बच्चे उनके पास नहीं रहते हैं या बहुत ज़्यादा वृद्ध उनको आवश्यकता है, तो उनके लिए राशन भी पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। कई नंबर ऐसे जारी किए गए हैं जहां पर जो मॉल हैं, इसके अलावा मार्ट हैं, तमाम दुकानें हैं, इनके नंबर दिए गए हैं कि इनको ऑनलाइन राशन वो पहुंचा सकते हैं। चिकित्सक भी अपनी पूरी मुस्तैदी के साथ काम करते देखे जा रहे हैं। बस जरूरत है तो केवल इतनी कि लोगों में सोशल डिस्टेंस बना रहे, लोगों में दूरी बनी रहे, ये दूरी बेहद जरूरी है। अगर ये दूरी नहीं बनेगी तो जो स्थिति है वो आने वाले समय में खराब हो सकती है। गनीमत है कि ग्वालियर के अलावा विनोद आप हमारे साथ में बने रहिएगा, भोपाल से दुर्गेश भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, राजधानी भोपाल की बात करें तो किस तरह की तस्वीरें भोपाल से निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि जो लगातार आंकड़ा है पॉजिटिव मरीजों का वो बढ़ता जा रहा है।
बिल्कुल अमनदीप, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से पूरे देश में कोरोना संक्रमित लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है, वहीं पर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी यह संख्या बढ़कर 29 हो गई है, जहां राजधानी भोपाल में तीसरा पॉजिटिव कोरोना संक्रमित पाए जाने से राजधानी भोपाल में पुलिस प्रशासन ने और सख्ती बरत दी है। वहां जहां तक कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो देशी विदेशी शराब की दुकानें थी उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया है, उनको भी कुल तरीके से बंद कर दिया गया है। उसके बाद चाहे वे प्राइवेट नौकरियां हों या सरकारी नौकरियां हों, सब पर ही एक तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। और यहां पुलिस प्रशासन की जो सख्ती है वह सख्ती साफ तौर से जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं उनसे देखी जा सकती है कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन इसको लेकर अलर्ट है और सख्ती बरत रही है। जो लोग बिना किसी कारण के बाहर निकल रहे हैं, घरों से बाहर जा रहे हैं, उन पर पुलिस सख्ती बरत रही है और उनको हिदायत दे रही है कि आप लोग बिना किसी काम के यदि घर से बाहर निकल रहे हैं तो नहीं निकलें, घर पर रहें, क्योंकि जो कोरोना संक्रमित बीमारी है यह इसका सिर्फ एकमात्र उपाय है वह यह है कि सोशल डिस्कनेक्टिंग, जितना हम एक दूसरे से दूर रह सकेंगे उतना ही इस संक्रमित बीमारी से बचा जा सकता है। जिसके लिए पुलिस प्रशासन ने जो रोजमर्रा की चीजें हैं, रोजमर्रा की चीजों को खरीदने के लिए जो सरकार है, सरकार ने एक नियम बनाया है कि यदि कोई दुकान या खुलती है, चाहे वह सब्जी की हो, फल फ्रूट की हो, दूध की हो, किराना दुकान है, वहां पर एक चूना डालकर मार्क बनाया गया है कि करीब एक मीटर के दायरे पर, एक मीटर के डिस्टेंस में रहें सभी लोग और अपना सामान खरीदें और घर जाएं। ज्यादातर कोशिश करें कि जो इलाके जो अपने अपने इलाकों के पास की दुकानें हैं उन दुकानों पर ही जाकर और तुरंत अपने घर पर जाएं। जिसके लिए अच्छा, इस पर यदि पूरे मामलों पर गौर किया जाए अमनदीप, तो जिस तरीके से सरकार पैसे के आवागमन के लिए भी लोगों के पास साधन नहीं बचे हैं, तो जिसके लिए सरकार ने बहुत सारी चीजें मुहैया कराई है, जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था नगर निगम की तरफ से की जाती है, कहीं राजधानी भोपाल में भी ऐसी बहुत सारी तस्वीरें देखने को मिल जाती है जहां पुलिस प्रशासन खुद गरीब और पिछड़ा इलाकों में जाकर भोजन के पैकेट बांटती है। तो कहीं ना कहीं इस बीमारी से लेकर पुलिस प्रशासन का हर तमगा, चाहे वह नगर निगम हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग का अमला हो, चाहे पुलिस प्रशासन का अमला हो, हर अमला इस पर सख्ती बरत रहा है, साथ ही साथ लोगों पर जागरूकता फैला रहा है, लोगों को वो चीजें मुहैया करा रहा है जो चीजें लोगों के उपयोग की चीजें हैं। सचिव विनोद और दुर्गेश, आप तीनों हमारे साथ में बने रहिएगा, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटेंगे। बना ये हर पल खास सुमित ज्वेलर्स के साथ, जहां मिलती है नई सौगात हर परचेज के साथ। सुमित ज्वेलर्स, हम गढ़ते हैं विश्वास। छत्तीसगढ़ के सबो भाई बहनी मल्ला, जय जोहार, राम राम। 21 दिन के लॉकडाउन किए गए हैं, ये कोरोना वायरस से बचाव पर ये फैसला लिए गए है, और इमें जिन आप सब सहयोग करो था ओकर बर आप सब बधाई के पात्र हो, आप सब लग बहुत बहुत धन्यवाद। ये जिन लॉकडाउन किए गए है ओकर बर जरूरी है कावर के कोरोना वायरस के चैन ल तोड़ना है। पूरा प्रदेश से लगातार मैं खबर लेवा था, सबो कलेक्टर है, SP है और सामाजिक संगठन के सब साथी मन है, ओकर मन से लगातार मोर बातचीत हुआ थे। एक बात के पता चले है कि कई जगह जिन आवश्यक सामान है तेकर वस्तु की कीमत बढ़ गई है, कुछ जगह काला बाजारी की भी शिकायत आत है। तो सबो व्यापारी भाई मन से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसा समय में अनुचित लाभ मत उठावे, बल्कि सेवा भाव से लोगन ला दैनंदिन जीवन के जिन सामान है ओकर पूर्ति कराए। बहुत जन व्यापारी मन सोशल डिस्टेंस ला बहुत अच्छा से पालन कर रहे थे, वो मतलब मैं बधाई देना चाहता हूँ। अपन दुकान के आगे में चाक से गोल घेरा लगा दे ताकि जिन ग्राहक मन आए थे मना वो दूरी में खड़ा होए, ओकर अनुकरण सबो व्यापारी मन ला करना चाहिए। यूँ खबर मिला थे कि हमारे तरबूज के जिन फसल है तेन खराब हुआ थे, तो ओकर ट्रांसपोर्टिंग की व्यवस्था पर भी कलेक्टर मन ला निर्देश दे दें कि फसल बर्बाद मत हो। न केवल तरबूज के बल्कि हमार साग भाजी है और फल है, तेकरो बाड़ी और बगीचे मन में काम से जाए बर नहीं रोकना है, वो मन ला जान देना है, काबर की फल सब्जी एकर आवश्यकता सबोल है और कर पूर्ति निरंतर बने रहा है तेकर बर ये जरूरी है। लेकिन जतका भी मजदूर भाई बहनी है तेकर मन से निवेदन है कि वो जिन सोशल डिस्टेंस है, दूरिया दूरिया में खड़ा होके काम करना है, एक दूसरे से टच मत हो, बात करे के समय भी बराबर सावधानी बरतना है, तो ये बात के बराबर हमारे मजदूर भाई बहनी मन ये बात के ध्यान रखा है।
पुलिस वाला मन के जिन दिन रात मेहनत कर रहे थे मन बधाई देना चाहता हूँ कि जतेक लॉकडाउन के समय जे में जिला में सीमा में रोका थे आवाज है रुके है और दिन रात मेहनत कर रहे थे बाजार में चौक चौराहा में होकर बर सबो पुलिस वाला मन बधाई। हेल्थ डिपार्टमेंट के जितका भी डॉक्टर है नर्स है स्टाफ है वो मन भी बधाई पात्र है। जिला प्रशासन भी पूरा दिन रात मेहनत कर रहे थे ओकरो बर ओमन ला मैं बधाई देना चाहता हूँ शुभकामना देना चाहता हूँ कि संकट की घड़ी में अपन दायित्व समझ के 24 घंटा आप काम कर रहा था तेकर बर निश्चित रूप से पुनः मैं बधाई देना चाहता हूँ। एक बात के और ध्यान रखे के है कि जो सोशल डिस्टेंस है तेला बराबर मेंटेन करे का आवश्यकता है और बचाव में ही हम सबकी सुरक्षा है ये बात ला विशेष रूप से आप ध्यान में रखो। अब के बात कहते हुए आप सब ला जय जोहार देखिए बाद एक बार फिर से स्वागत है हमारे साथ में संवाददाता सत्या दुर्गेश और विनोद तीनों हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सत्या आपके पास आऊंगी कि छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या कुछ कदम उठाए हैं क्योंकि लगातार दिहाड़ी मजदूरों को लेकर भी तमाम तरह के सवाल लोगों के मन में है और साथ ही जो लोग प्रदेश के बाहर हैं और अपने घर वापस आना चाहते हैं उनके लिए क्या कुछ कदम उठाए गए हैं क्योंकि कल कुछ ऐसे भी मामले देखने को मिले थे जिसमें पैदल ही लोग अपने घर के लिए रवाना हो गए थे। जी बिल्कुल अगर हम छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो यहाँ अब तक 6 संक्रमित मरीज मिले हैं और डेली कम से कम 50 से 57 जो केसेस हैं जो यहाँ सैंपल लिए जा रहे हैं। तो इस तरह सरकार जो है इस लॉकडाउन की स्थिति को ध्यान में रखते हुए लगातार उनका प्रयास जारी है। जो छत्तीसगढ़ के लोग जो बाहर फंसे हुए हैं यहाँ छत्तीसगढ़ से जो बाहर जाना चाहते हैं इनके लिए व्यवस्था की गई है। यहाँ पुलिस प्रशासन अगर इंटरनल बात करें राज्य की ही बात करें अगर एक जिले से दूसरे जिला जाना है अगर आप राजधानी रायपुर से आपको बिलासपुर जाना है तो इसके लिए आपको SP लेवल पर परमिशन लेना होगा। अगर राज्य की बाहर की बात करें तो वहाँ मंत्री लेवल से ये काम किया जा रहा है। लगातार अभी हम बात करें तो अभी रांची और झारखंड से कल ही 270 मजदूर को लगभग यहाँ लेकर आए थे जिनका अभी क्वारंटाइन पे रखा गया है और उनके उचित परीक्षण के बाद उन्हें होम क्वारंटाइन पे भेज दिया जाएगा। अभी राजधानी की बात करें जो विदेश दौरा करके आए थे उनको लगभग 400 लगभग लोगों को क्वारंटाइन किया गया है उन पे नजर बनाई रखी गई है। और इसी तरह पुलिस प्रशासन की बात करें लॉकडाउन की स्थिति के मद्देनजर वो सड़क पे मौजूद हैं सड़क पे उतर आए हैं और लोगों को लगातार अपील कर रहे हैं कि वो सड़क घर से बाहर न निकले घर में ही रहे क्योंकि घर में ही जीवन है। अगर आप बाहर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं अपने साथ अपने घर वाले को अपने समाज को और समाज के साथ अपने राज्य को देश को संक्रमित करने में से नहीं चूक रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ पुलिस वाले भी कुछ मौजूद हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप लगातार ड्यूटी में हैं 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं पहले बताइए आप अपने सावधानी किस तरह से बरत रहे हैं क्योंकि आप सड़क पे हैं तो लोग अपने घर पे हैं। सबसे पहले तो हम लोग चेहरे पे मुंह पे मास्क लगाए हुए हैं और हर आधे घंटे में जब समय मिलता है 10 मिनट 15 मिनट तो हम लोग अपने सैनिटाइजर से अपने हाथ को वो कर रहे हैं धो रहे हैं और जो सड़क में जो चल रहे हैं उनको बिल्कुल सावधानी बरतने के लिए सलाह दे रहे हैं। उनको कई तरह के लोग सड़क से आप यहाँ से गुजर रहे हैं मैं अभी देख रहा हूँ आप लोगों को समझा रहे हैं किस तरह की बातें होती हैं क्या क्या लोग बताते हैं क्यों बाहर निकल रहे हैं। ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि हम दवाई लेने जा रहे हैं अस्पताल जा रहे हैं मेडिकल जा रहे हैं तो हम लोग उनको समझाई दे रहे हैं कि देखिए अनावश्यक न घूमे ज्यादा जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले और कुछ लोग बातों को समझ रहे हैं सुन रहे हैं और जो नहीं सुन रहे उनको हम लोग वापस घर के लिए भेज रहे हैं। कुछ ऐसे भी मामले आ रहे हैं लोग कर्फ्यू देखने के लिए निकल जा रहे हैं ये टहलने के लिए निकल जा रहे हैं एक गाड़ी में चार चार लोग ट्रेवल कर रहे हैं ऐसे मामला कैसे आ रहे हैं और उन लोग को क्या आप लोग के द्वारा समझाइश दी जा रही है। ऐसे लोगों को हम लोग सीधे गाड़ी रोक करके उनके ऊपर चालानी कार्रवाई कर रहे हैं और वापस उनको समझाइश देके घर भेज रहे हैं और नहीं मानने पे उनको थोड़ा सा डर भय कानून का डर भय दिखा करके उनको वापस घर भेज रहे हैं। DGP ने कल एक निर्देश जारी किया है अगर लोगों से मारपीट होती है अभद्रता होती है तो इसके लिए जिम्मेदार थानेदार होंगे उस जिला के SP होंगे तो ऐसा आदेश जारी क्यों करना पड़ा। अब ये तो हमारे वरिष्ठ अधिकारी ही बता पाएंगे हमारे यहाँ ऐसी स्थिति अभी नहीं आई है। सख्ती बरतने की जरूरत है यहाँ पे अभी तो ऐसी स्थिति नहीं आई है
और जरूरत पड़ने पर देखेंगे जैसा बनता है वैसा किया जाएगा जी। तो इस तरह यहाँ पे आप पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, तो वही लोगों को जो घर से बाहर रह रहे हैं, फंसे हुए हैं, और जो अधिकतर किराए के मकान पे रहते हैं और बाहर रहने वाले लोग हैं, जो भूखे ना रहें, भूखे ना सोएं, इसके लिए शासन ने पूरा इंतजाम किया है। नगर निगम ने हर वार्ड में कंट्रोल रूम का स्थापित किया है हर जोन में, और नंबर जारी किया गया, उस नंबर पे कॉल करके लोग अपने जो है, हालांकि ये निःशुल्क व्यवस्था है, लेकिन जो सामान आप मंगाएंगे उसका आपको मूल्य चुकाना पड़ेगा। कुछ सामाजिक कार्यकर्ता लोग भी हैं जो सुबह से शाम तक लोगों तक अनाज पहुंचाने के लिए जुटे हुए हैं, कुछ ऐसे ही लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोग दिन में कितने लोगों के पास पहुँच रहे हैं? लगभग हम लोग दिन में करीब 200 से 250 लोगों के पास पहुँच रहे हैं डेली का, ऑल्टरनेटिव डेज में एक एक दिन छोड़ करके हम स्नैक्स पैकेट्स और फूड पैकेट्स लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, तो कैसे कैसे लोग मिलते हैं आपको? जैसे आप सड़क पे आप निकल रहे हैं आप घर से, तो आप अपना कैसे सावधानी बरत रहे हैं और लोगों के बीच कैसे गैप बनाकर आप अपना काम कर रहे हैं? हम लोग मास्क और ग्लव्स तो रेगुलर यूज करके ही चल रहे हैं, उसके बिना चल नहीं रहे हैं। जितने मजदूर टाइप के मजदूर प्रकार हो गए या हमारी जो पुलिस जो हम लोग दिन रात हमारे लिए खड़ी, हम लोग उनको ज्यादा सर्व कर रहे हैं। गरीब तबके के ऐसे लोग हैं जो कमाते हैं और खाते हैं, लेकिन अभी लॉकडाउन की स्थिति में वो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। आप हमारे साथ में बने रहिएगा, हमारे साथ में विनोद भी जुड़े हुए हैं ग्वालियर से, तो अब आपको ग्वालियर ले चलते हैं। विनोद, ग्वालियर में किस तरह का माहौल देखा जा रहा है, और सरकार और प्रशासन की तरफ से तमाम वादे तो किए जा रहे हैं, पर आप लोग जाके तमाम जगहों का आप लोगों ने जायजा भी लिया, तो क्या लगता है जो सुविधा बोली जा रही है वो जमीनी जो स्तर है वहां तक पहुंच पा रही है क्या? देखिए, ग्वालियर में जिस तरह से जो दावे और वादे किए गए थे प्रशासन द्वारा कि किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं होने दिया जाएगा, अगर ये सामाजिक संस्थाएं नहीं सामने निकल कर आती तो निश्चित तौर पर कई ऐसे घर के बच्चे थे या कई ऐसे घर थे जिनके घरों में भोजन तक नहीं मिल पाता उनको। वो तो गनीमत है कि सामाजिक संस्थाएं बाहर निकल कर आई है, धार्मिक संस्थाएं बाहर निकल कर आई है, जो जा जाकर लोगों को भोजन के पैकेट दे रहे हैं और उनको ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि वो भूखे ना सोएं। इसके अलावा इस तरह के कई हमने लोगों को देखा जो पैदल ग्वालियर से झांसी, डबरा और टेकनपुर तक पैदल अपने बच्चों के साथ जाते हुए हमें दिख रहे थे, जिसकी दूरी 100 किलोमीटर तक है। तो प्रशासन को कम से कम एक वैकल्पिक व्यवस्था ये करनी चाहिए थी कि अगर कोई बाहर का व्यक्ति यहाँ फंसा है और वो अपने घर जाना चाहता है, क्योंकि यहाँ तो उसके लिए कोई व्यवस्था है नहीं, शहरी क्षेत्र में वो रुकेगा कहाँ, खाएगा क्या, सोएगा क्या और कहाँ रहेगा छोटे छोटे बच्चों के साथ, और उसको संक्रमण का खतरा रह सकता है। लिहाजा वो बच्चे पैदल जा रहे हैं अपने माता पिता के साथ, ये हमें दिख रहा है। कम से कम प्रशासन को उनके लिए एक अलग से पृथक वाहन की व्यवस्था ऐसी करनी चाहिए थी जिसमें पूरे संसाधन होने चाहिए थे और एक सुरक्षित उन लोगों को उनके घर तक पहुंचाया जा सके, ताकि वो संक्रमित ना हो और उनका पहले टेस्ट किया जाना चाहिए। तो इस तरह की कल हमने खबरें भी दिखाई और आज भी इस तरह की कई हमें दृश्य देखने को मिले जिससे लोग परेशान होते नजर आ रहे हैं। प्रशासन लॉकडाउन की तरफ तो पूरी तरह से मुस्तैद है, जिसमें पुलिस का एक बड़ा योगदान है। लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं कि जो लोग बाहर हैं वो घर तक कैसे जाएं, ये एक बड़ा सवाल है उनके लिए। कहा जा रहा है कि अधिकारी से परमिशन भी लेनी चाहिए, पर परमिशन लेते हैं तो वाहन की यहाँ पर किल्लत होगी। भोपाल से हमारे साथ में दुर्गेश जुड़े हुए। दुर्गेश, आज सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मीटिंग लेने वाले हैं, जो अभी तक जो शिकायतें आ रही हैं वो लगातार दिहाड़ी मजदूरों को लेकर आ रही हैं और जो प्रदेश से बाहर लोग हैं उनको लेकर बातें कही जा रही, तो क्या लगता है कि आज की बैठक में ये मुद्दा उठ सकता है? बिल्कुल, मैं अमनदीप आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित लोग हैं, तो जो रोजमर्रा कमाई करने वाले और रोजमर्रा खाकर अपना पेट भरने वाले लोग हैं, सबसे ज्यादा प्रभाव उन पर पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पूरा लॉकडाउन किया गया 21 दिन तक के लिए, आगामी 14 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन किया गया पूरे देश में, जिससे उन मजदूरों पर उस तमगे पर ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है जो रोज कमाते और रोज खाते हैं। तो इसको प्रदेश की सरकार हालांकि सजग है और उन तक खाना और भोजन पहुंचाने के कई रास्तों कई तरीके से काम भी कर रहे हैं, जिस तरीके से नगर निगम, सामाजिक संस्था, धार्मिक लोग उन तक खाना पहुंचाने काम कर रहे हैं, वहीं पर अब प्रशासन जो है इस तरीके से सजग है और इस बीमारी से संक्रमित ना होने के लिए कई तरह के उपाय भी कर रहा है। कई जो किराने की दुकानें हैं उन दुकानों पर व्यवस्थित तरीके से लोग आए और किराना का सामान खरीदते हैं, ताकि किसी प्रकार कोई संक्रमण ना फैले। साथ ही साथ आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 6 बजे फेसबुक लाइव पर पूरे प्रदेश की जनता को संबोधित भी करेंगे, साथ ही साथ उनको हिम्मत भी बांधेंगे कि किसी प्रकार से कोई डरने की जरूरत नहीं है, प्रदेश की सरकार उनके साथ खड़ी हुई है। रही बात
किसी प्रकार की कोई परेशानी, रोजमर्रा की जरूरत की चीजों को तो उन तक प्रशासन मुहैया कराएगा। साथ ही साथ जिस तरीके से हम राजधानी भोपाल से बात कर रहे हैं, तो राजधानी भोपाल में चूंकि यह एक एजुकेशन का हब माना जाता है, यहाँ पर पढ़ने वाले छात्र ज्यादा तादाद में मिलते हैं जो कि इस कोरोना संक्रमण के चलते यहाँ पर फंस गए हैं, किसी वजह से अपने घर पर नहीं पहुंच पाए हैं। और चूंकि उनके इधर तक जो उनके परिजन हैं जो ग्रामीण इलाके में रहते हैं, जो दूसरे क्षेत्रों में रहते हैं, उन तक वो पैसे कैसे पहुंचाएंगे अपने बच्चों तक, इसकी भी प्रशासन को कहीं पर व्यवस्था देखनी चाहिए। साथ ही साथ जो लोग किराए से यहाँ पर रह रहे हैं, तो प्रशासन को जो मकान मालिक हैं उनसे भी रिक्वेस्ट, उनसे निवेदन करना चाहिए किसी प्रकार से किन्हीं बच्चों को यदि रहने और खाने से लेकर कोई परेशानी होती है तो उस पर वह कंप्रोमाइज और समझौता करें, किसी को कोई परेशान ना करें, इस पर भी प्रशासन को कदम उठाना चाहिए। चलिए, हमारे साथ में भोपाल से दुर्गेश और राजधानी रायपुर से सत्या और ग्वालियर से विनोद हमारे साथ में जुड़े हुए थे। तीनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो तस्वीरें आपको दिखाएं ग्वालियर की, राजधानी भोपाल की और राजधानी रायपुर की। तस्वीरों में आपने देखा कि प्रशासन और शासन की तरफ से जो कुछ व्यवस्था की जा रही है वो कितना जमीनी हकीकत उसका सामने आ रहा है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। स्वराज एक्सप्रेस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।